पेटीजन हल्का सिया या फिर राख वर्गा एहो जई राख जिस दे अंदर अग अजे बुझी ना होवे। समंदर जा दरिया दी किसे लह हलो अचानक दूर रेत उछाल के सुती हुई मच्छी दी फटियां अखां देखियां तुसी कदे फटियां हुई अखां जाग दी अखां खुली अखां उन्ना वर्गा रंग किसे फिल्म च काम करने वाला चंगे तो चंगा एक्टर पूरा मेकअप करके अपना सारा जोर लगा के भी अपने चेहरे ते होर रंग पैदा नहीं कर सकता जरा असल जिंदगी दे विच एक बेहद डरे हुए जिउंदे जागते इंसान दी अखां ते चेहरे ते विखाई दिंदा है। एक जिहा व्यक्ति जो दिन भर दे काम कर तो वेला हो गया जो तो वापस घर परत रहा हुंदा है तो उहदे हत्थ विच एक चोला हुंदा जिस विच हुंदियां ने बच्चां लई सस्तियां टॉफियां ते बीवी लई खंगदियां गोलियां पर अचानक क्यों किसी गली दे मोड़ ते दंगा करे कर जाता है और बदकिस्मती दे नाल उस फिरके दा नहीं है जिस फिरके दे लोगों ने उसनु घेर लिया। अपने कतल तो ठीक एक पल पहला उस मरन वाले दी आंखां दे विच ओही डर दिसदा है जिसका मैं हुणे हुणे जिक्र कीता सी ते डर दे उस रंग नु मैं मोहनदास दी आंखां च देखिया सी। मैंने पता है मैं तुहाडे दी आंख चुकदा मैंने बचा लो मेरे छोटे छोटे बच्चे ने ते मेरा बाप टीबी की बीमारी ना मर रहे हैं तुसी कहो तो मैं किसे भी अदालत च जाके हुक्मनामा देने लिए तैयार हो के मैं मोहनदास नहीं कोई होर होएगा मोहनदास मैं तो इस नाल के किसी आदमी को जानता भी नहीं है मैं तो अड़े के हाथ जोड़ता मेरे बचा लो मैं मोहनदास नहीं हूं मैं मोहनदास नहीं हूं। मोहनदास के उसके परिवार नो मैं कई पीढ़ियां तो जानता हूं उसमें देख के तुसी सोच नहीं सकते कि एम डी डिग्री कॉलेज तो ग्रेजुएट है और वही फर्स्ट डिवीजन दे विच और यूनिवर्सिटी दी मेरिट सूची दे विच और तो 10 साल पहला दूसरे नंबर पे सी। वैसे मोहनदास की उम्र कोई 34-35 साल दी होगी पर देखे छ तो पंजाब 55 तक पता जाता है। मैं तो आपको हमेशा ही परेशानियां च गिरिया देखिया कदे पिंड दे विच किसे नाल गल करदे आ हसदे आ ताश खेडदे आ ओनु कदे भी किसे ने नहीं देखिया। पिंड दे लोग कहंदे ने कि मोहनदास हर वेले पैरों के कम फड़ी रखता है क्योंकि मोहनदास नु हर रोज पानी पीन ले एक नवा खूह खोजना पैंदा है और रोटी ले हर रोज एक नवी फसल पैदा करनी पैंदी क्योंकि मोहनदास दे टब्बर च रोटी पानी ही उसदा मुंह देखण वाले एक नहीं पंज यानी के पंज पेट ते पंज मुंह। मोहनदास दा बाप काबा दास जो कि पिछले 8 साल तो टीबी दी बीमारी का शिकार और मां पुतली भाई फ्री अखां दे कैंप च मोदी दा इलाज करवाउण गई हमेशा लिए नहीं हो गया दोस्ती बीबी मैं कस्तूरी बाई जो अपने पति दा ही परछावा हां। वैसे पिंड दे लोग कहंदे ने कि आज तक भी उन्होंने इन्हां नूं कदी आपस च लड़दे नहीं देखे। वैसे आपतावां जां विपतावां हुंदियां जो मर्द और औरत इस बंदा की नींद कमजोर से मजबूत कर दी। मेरा बेटा देवदास पिंड दे प्राइमरी स्कूल च पढ़ता है और स्कूल तो बाद ओटे ते बनी ऑटो रिक्शा दे काते कम करता है जिस दे बदले उसने मिलते ने महीने दे 100 रुपए। वैसे ये देवदास दे टीचर कहते हैं कि देवदास पढ़ने दे विच बहुत होशियार है पर जब यही गल मोहनदास नु दसी जांदी है ता मैं भी तां बीए फर्स्ट क्लास दिन रात कोटा लाउंदे सन की बणया। वैसे मैं हूँ कंप्यूटर सीखना शुरू किया। वैसे चाचा जेकर तू टाइपिंग का काम कंपोजिंग का काम ते प्रिंटिंग का काम सीख लेना तो मेरा ख्याल है 5-7 साल बनी जाए कर मैं भी लेना। वैसे इस महीने में एक्टिंग की स्पीड 30 घटी है थोड़ा बहुत कम भी मिल जाता है और अच्छे अच्छे गलतियां बहुत हो जाती हैं। ऐसे गलत बहुत पहला दिया पर इन्हीं दिनी मोहनदास एक बहुत बड़ी मुसीबत है। मैं मोहनदास नहीं हूँ मैं किसी भी अदालत जाके हुक्मनामा देने लिए तैयार हूँ कि मैं मोहनदास नहीं हूँ कि मैं बनना है बन जाए मोहनदास पर मैं तो छोड़ दियो मैं तो अड़े के हाथ जोड़ता मैं नू बचा लो मैं मोहनदास नहीं हूँ मोहनदास ते परिवार का पंजवा मैंबर यानी कि उसकी
बेटी शारदा जो कि पिंड ही प्राइमरी स्कूल च दूसरी जमात पढ़ती उस तो बाद नाल दे पिंड जिमीदार विश्वनाथ दे घर उस एक साल दे बेटे नूं संभालदी जिस दे बदले उसने मिलते ने महीने दे 30 रुपये ते रात दी रोटी जिमीदार विश्वनाथ दे प्यो नगेंद्र नाथ दी बहुत उपर तक पहुंच है ओ दो वारी पिंड दा सरपंच भी रह चुका है विश्वनाथ नूं पिंड दे लोक पिछ पिछे विश्वनाथ कह के बुलाउंदे ने यानी कि बाप नागराज ते बेटा सपना जे तुहानू देख के मुस्कुरा रहा है तो समझ लो कि तुहानू डंग मारन की पूरी तैयारी है बस इको ही चीज है जड़ी विश्वनाथ को नहीं ते वो है ईमान विश्वनाथ ऊंची जात है ते मैं नहीं भी जात कबीर पंथी साडी बरादरी दे बहुत सारे लोग अजे भी चटाइयां दरियां सिरकियां मुड़ के अपना गुजारा करते ने ते मैं अपने पिंड चो ली बल्कि लागे चागे दे कई पिंडां चो अपनी बरादरी दा पहला मुंडा जिन्हें बीए कीती है वो भी फर्स्ट डिवीजन ते मेरिट विच दूजा स्थान फिर नशे कितने दिन सोचेंगे ऐसी तुहानू मोहनदास उर्फ करमचंद गांधी दी गल सुना रहे जिस दी मां दा नाम पुतली बाई बेटे दा नाम देवदास ते पत्नी दा नाम कस्तूरी बाई जो कि सानू कस्तूरबा दी याद आउंदा है वैसे अज वाले मोहनदास नूं देख के तुहानू इतिहास वाला मोहनदास जरूर याद आएगा पर दोस्तों यकीन करो एक भी सिंबॉलिक कहानी नहीं अज दा मोहनदास एक जिंदा जागता असल इंसान है जो कि ऐसे लिए बहुत बड़ी मुसीबत है मोहनदास की असलियत है इस दी पुष्टि तुसी चाहो ता साडे पिंड विच नहीं बल्कि इस देश दे किसी भी पिंड दे किसी भी बछिंदे कोलो पुछ के कर सकते हो ला भी पुतली भाई लगता है भी अभी अपने मोहनदास नु कोई वधिया दी नौकरी मिल जाऊगी भाई मेरो किने ना ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਬੀਏ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆ ਬਈ ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਲਦੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਅਜੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ 15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਕਸਤੂਰੀ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਾਹ ਬਈ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਬਈ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸੰਭਾਲਦੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਜੋੜ ਲਏ ਤਾਂ ਜੋ ਮੋਹਨਦਾਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਬਸ ਮੋਹਨਦਾਸ ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਨੇ ਪਾਸ ਜਾਂ ਬੀਏ ਥਰਡ ਵਿਜਨ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਰੱਖ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂ
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਦਾ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਹੁਤ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ 15-20% ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਦਮ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਬੋਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਕੋਲ ਵੀ 1-2 ਲੱਖ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਮੈਥੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਰਖਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਪੁਰਜੇ ਤੇ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਖੋਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੇਡ ਇਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੁਰਜਾ ਕੀਮਤ 150 ਰੁਪਏ ਤੇ ਲੋਕਲ ਟੈਕਸ ਐਕਸਟਰਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਰਜੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ 5% ਹੀ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਅਨਫਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਦੇ ਨੇ ਠੇਡੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਕਤ ਲੰਘਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਨਾਲੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਮੁਰਗੀ ਖਾਣਾ ਖੋਲਾਂਗੇ ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਧੰਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਆਂਡੇ ਦਾ ਦਲੀਏ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਦਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਖਰਤਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਆਇਆ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਖਰਤਾ ਅਫਸਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਾਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ। ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਸਿੱਧਾ ਸੰਕੋਚੀ ਤੇ ਸਵੈਭਿਮਾਨੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਜੋੜਨੇ ਪੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣਾ ਪਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵੱਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੀਏ 'ਚ ਫਸਟ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਅਸਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਅਸਲ ਖੇਡ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਲੰਗੜੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਕਤ ਮੇਰੇ ਜੋ ਜਾਲ ਸਾਜ਼ੀ ਜੋੜ ਤੋੜ ਨਸਾ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਤਮਾਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਮੋਹਨਦਾਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੋਹਨਦਾਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਮੋਹਨਦਾਸ ਗੱਦੀ ਅਫਸਰ ਬਣ ਸਕੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਐਸਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਖਾਲੀ ਪਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਘਰ ਦੀ ਗਾਹ ਰੋਟੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਪਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਟੀਬੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਇੱਕ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਗਈ। ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਗਵਾ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਈ। ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਬਾਹਰ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੱਸ ਸਹੁਰੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਸਾਂ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
चंगी तरह सामने नहीं सर सके।
अपनी जिंदगी दे जिस बूटे नूं मैं दुध भरोण समझ गया सर उस विचों तां उस विचों तां फेर कितों नवी क्रंबल फुट आई सी ते अगले दे मेरा पति इंटरव्यू तो एक घंटा पहले ही उत्थे पहुंच गया सी ओने अपने सारे देवी देवते थे उस दे विच इक खासा दा जोश सी हर हाथ दे विच नौकरी लैण दा जोश एक घंटे दी परीक्षा होने ते घंटे दी खत्म कर ली फिर 1500 मीटर दी दौड़ तेरे चलना पार चुकना कोटे ते कुणिया पार सगर जमीन ते रहना पूरे ग्राउंड ते दो चक्कर लाने तेना सारे प्रेरक शरीरक परीक्षावां दे विच दो घंटे लगे तेना विच मोहनदास किसी नाल नहीं उन्नी नहीं सी ते जदों शाम नूं 4 बजे फैक्ट्री दे गेट ते लिस्ट लगी ता 150 कैंडिडेटा दे विचों 5 नाम लए गए ते उहना चों पहला नाम सी मोहनदास मेरा दिल धड़क रिहा सी इक अनहोनी हुण जा रही सी मेरी जिंदगी दे सारे दुख तकलीफां दूर हो जा रहे सी हुण हर महीने मैनूं तनखा मिलिया करेगी हर रोज साडे घर चुल्हा बणेगा सब्जी वी बणेगी मैं अपने पुत्र देवदास को पढ़ा भी सकल ते मां माता इलाज भी करवावांगा हुण कस्तूरी नु किसे होर ते कर कम करन नहीं जाना पड़ेगा कम करन नहीं जाना पड़ेगा सर भाई मोहनदास ओ तेनु हुण तक कोई वधिया नौकरी कोनी मिली वे अगर तू थोड़ी जी बदनाट करता तो तेनु वधिया नौकरी मिल सकदी सी सर सर मेरी ज्वाइनिंग कदों तक हो जाएगी बस भाई जवानी की समझो बस हफ्ते के बीच में जी कागजी कार्रवाई पूरी कर लेंगे तो हफ्ते के बीच में जी थोड़े करे जो की पत्र भी भेज जा पर तो सी 15 दिन और इंतजार करो थैंक यू सर थैंक यू वेरी मच सर थैंक यू मोहनदास ने कर नया युग शुरू वाला मोहनदास ने अपने डाकखाने के खाते में पै हुए 2000 रुपए कटा ते सब तो पहले ने खरीदी नवी मच्छर दानी एक किलो देसी घ्यो गुड़ तिखा देवदास जी नवे कपड़े ते अपने वास्ते नवी चिंदी पहन ते चार खाने वाली कैरी कार्ड दी कमीज 20 रुपए दा पर्स ते पंज पंज भरे दे रिवार्ड खरीदे भाई सॉरी जेड़े लोग सानू बुला के नहीं सी राजी ओना ने भी साडे नाल तेज बताना शुरू करता सी भाई लोग ते कह लगे भाई नौकरी ना दे रेजोल्यूशन दे कोटे तो मिलिया नाले इना दी बरादरी कोई ऊपर वध पड़या लिखया नहीं सी कुआ करके ओ हफ्ते साडे घर कोई खीर भी बड़ी ते आलू मटर दी सब्जी भी ते बाप का बादास नवा कलेशा पीड़ी दा पंडा खींच के अपने घर दे बाहर बैठा होया पीड़ी दे कष्ट खिंच रिया सी ते गीत गा रिया सी चलो भाई मेरे पुत्र की कोठी दे विच सोना तेरा नाम सब तो ऊपर है तो इतना कर एक महीना ठीक है
मेरे अंदर कुछ मर चुके हैं। मैं 1.5 महीने बाद फिर जाने का प्लान कर था। काफी इंतजार करने तो बाद मैं अंदर जान दिता गया। हमारी अपराध रही सी, फिर भी मेरे काफी जोर दे के पूछन थे कि सर मैं अगले महीने आके फिर पता कर लो। यार पता करती की लोड़, चिट्ठी मिलूगी पता लग जूगा, काम कर जाएगा अपना। अपने जवाइन फिट कर लिया यार, ऊपर के मामले ने जा फिर कद आई। Oh!
ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਤਵਾ ਰਹੂਚੇ ਮਦੀਰੇ ਤੇ ਕਤੂ ਵਿਚਨ ਲਈ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। Thank you।
वापस जिंदगी बन चले जो शराब की याद के रूप में साढ़े घर साड़ी बच्ची शारदा ने जन्म लिया। मैं अपनी खेती के जी तोड़ मेहनत करता रहा पर बाप की बीमारी बढ़ती जा रही थी। सरकारी हस्पताल दे विच एक चंगा डॉक्टर आया, उसने कुछ फ्री दवाइयां दा इंतजाम किया। फिर उसे डॉक्टर ने दस्सिया कि मां दी अखां दे ऑपरेशन ते भी तकरीबन 10,000 रुपया लगेगा। मोहनदास जी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी आओ, हेलो हेलो आओ बैठो। क्या नाम है? मोहनदास जी, ना पेपर सुपर तेरे साइन चाहिए। ले लो। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕਾ ਤੇ ਲੜਕੀ ਬੇਸਹਾਰਾ ਕਬੀਰ ਪੰਥੀਆਂ ਦੀ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਮੋਹਨਦਾਸ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਿਖਵਾਈਆਂ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ विदेशी दौरे तुरिया रहिंदा। समा बीता गया, मोहनदास ते कस्तूरी मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा कर लगे। मोहनदास की बेटी 2 साल की ते बेटा 4 साल का हो गया। मोहनदास के बाप कापा दास की खंघ वही जा चुकी थी। हूँ तो कदी कदाई थुक के खून नहीं आने लग पाया। हूँ अस्पताल में दवाई मुफ्त नहीं मिलती क्योंकि जिहड़ा चंगा डॉक्टर आया थी उसकी बदली कितने होर हो गई। मोहनदास के दोवें बेटे भी दोनों बच्चे भी मोहनदास के चटाइया बनाने के काम च उसकी मदद कर लगे। पर दोस्तों तुहानू कि नहीं लग रहा कि मैं तुहानू मुंशी प्रेमचंद के जमाने की कोई 100 साल पुरानी कहानी सुना रहा? नहीं दोस्तों, एक घटना ठीक उदों दी जो 9/11 हो चुका सी और न्यूयॉर्क दियां 2 वड्डियां इमारतां दे डिगण की प्रतिक्रिया च एशिया के 2 अमीर ते खुद मुख्तियार मुल्कां नू मलबे का ढेर बना दिता गया सी। तेल, गैस, पानी और बाजार की लुट खसुट लई सरकारी कंपनियां, सरकार और फौजां इस धरती ते निहत्थे लोकां दा कतलेआम कर रही हैं सर। जी हाँ, ए ओही समां सी जदों जो भी सत्ता दे विच सी ओह लगदा सी जिवें इक दूसरे दा कलोन होवे, इको जिहे ब्रांड दा उपभोगी। हर कोई इको जिहियां चीज़ां खा रहा है, इको जिहियां चीज़ां पी रहा है, हर एक दा अकाउंट इको जिहे बैंकां दे विच है, उहनां दी जेब दे विच इको जिहे ATM कार्ड ते क्रेडिट कार्ड ते मोबाइल फोन ने, इको ब्रांड के शराब के नशे दे विच पेज 1 तो लेके पेज 3 तक पे शर्म ते नंगे। गौर ना देखो इना दी चमड़ी दा रंग ते इना दी भाषा भी कोई। मोहनदास और उसका परिवार पीले दी चटाइयां पास के टोपियां ते शुकु बना के अपना गुजारा कर लगे। उने दिन ही मोहनदास दा संडो गोपाल दास उस नु मिलन लिया। गोपाल दास एक आराम विच काम करदा है पर उसका मालिक उस नु पैसे दी बुराई वास्ते साइकिल ते कितने कितने भेजदा रहिंदा। ਮੋਹਨਦਾਸ, ਹਾਂ ਬੱਲੇ ਬਈ ਬੱਲੇ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਠੀਕ ਹੈ ਮੋਹਨਦਾਸ। ਮੋਹਨਦਾਸ ਬੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਚੱਕਰ ਮਾਰਿਆ ਬਈ, ਸ਼ਹਿਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿੰਡ ਚ ਆਉਣ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇਰਾ। ਹੈ ਬਈ ਯਾਰ ਮੋਹਨਦਾਸ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਬੋਲ, ਕੀ ਗੱਲ? ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੇ ਮੈਨੂੰ ਓਰੀਐਂਟਲ ਗੋਲ ਮਾਈ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ ਬਈ ਯਾਰ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਦਾ? ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਿਸਨਾ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਟਿੱਪੂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਮੋਹਨਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਲਾਤ ਨੇ ਨਾ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿਸਤਾਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਡ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਤੇਰੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਪਿਸਤਾਲ ਨੇ ਉਹ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋਆਂ ਲਵਾ ਲਈਆਂ ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਤੋਂ ਤਸਦੀਕ ਵੀ ਕਰਾ ਲਏ ਕਿ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨਦਾਸ ਹੈ।
मोहनदास बंद खापा दास जात कबीर पंथी विश्वकर्मा बन के बड़े इत्मीनान के नाल चार साल तो डिप्टी सुपरवाइजर की नौकरी कर लिया और 10,000 रुपया महीना ले रहे यार एक धंधे उनमें आप थे कैसी फैक्ट्री के बाहर चावल की दुकान पे ओदे गल विच राजकार सी ना ओदे उत्ते भी मोहनदास लिखा होया सी बस फोटो की अपनी सी मिस ना थी यार मेनू ते भी पता लग गया तो पिछले 4 साल तो अपने पिंड पिछया क्या ही नहीं है इथे रह रहा है फैक्ट्री की कॉलोनी लाली नगर के विच तो दी बीवी पैसे दे नहीं प्यार से चटफट चलाउंदी है ते कॉलोनी दे सारे लोगों नु मोहनदास जो दी पत्नी हूं कस्तूरी मैडम पे के जानदे ने मेहनत
गर्मी सर्दी ते कई दिनों की भुख त्रेह ने मोहनदास के चेहरे का रंग तांबे वर्गा कर दिता सी। दुखा ते तकलीफा ने उहदे चेहरे ते इन्नी लकीर खिंच दित्तिया सन के 30-35 साल की उम्र के विचों 50-55 का लगता सी। हम मैं ठीक उसे ऑफिस के सामने खड़ा कहते कुछ साल पहले मैं अपने सारे सर्टिफिकेट जमा करवाए सकते वापस नहीं सन। ये वही दफ्तर जिथे मैंने दिलासा दिखा गया सी कि मेरा ना तो कटिया नहीं जा सकता क्योंकि मेरा ना लिस्ट में सब तो उत्ते सामने वही अफसर बैठा हुआ सी। कुछ नहीं सी बदलिया, बस वो कुर्सी थोड़ी होर वड्डी हो गई सी ते पिछे एसी भी लगा हुआ। सर सर मैं मोहनदास इतने
मोहनदास का फ्लैट कौन? अच्छा अच्छा सुप्रभात साहब, ऐसा करो सीधे चले जाओ, तेला मुड़ के ना चौथा मकान है, ये बड़ा क्या है?
भाई साहब मैंने नगर के बीच सूर्यकांत का फ्लैट किया है। इस नाम की नेम प्लेट तो मैं पिछले गली च पड़ी सी। आप देखो तुम इस तरह करो फिर सीधे चले जाओ तू खबे मुड़ जाना दूजा फ्लैट। वैसे उसका फ्लैट ला पाए जी मोहन दा सूर्यकांत जो नए पिंड बोल रहे हैं। समासी जिस दे विच इस देश दे विच जो भी ईमानदार सी ते अपनी मेहनत दे नाल अपनी रोजी रोटी कमाया सी उस दे लई इस देश दे 21वें सदी दे संविधान दे विच एक षड्यंत्र रचा जा चुका सी। ते मोहनदास जब घर पहुंचया ता सारे डीकन सौ चुके सी। मोहनदास दी पत्नी ने उसनू चौक ते चार खां लिख दिते। वाह भाई कस्तूरी भाई तेरे हाथों में कमाल जादू है तेरे हाथों में। जदों तू इन्हां हाथों दे नाल इन्ना स्वाद खाना बना के खवाउंदी है ना पत्तर नाल स्वर्ग दा चुट्टा आ जांदा। फिर मैनू पता लग गया कि मेरे पति दे नाल अज फिर कोई हादसा वापरिया जिसनों उसने हमेशा वांग विखन लुकोई रखिया। मैं तो उस रात बहुत देर तक जाकर तो बात सो गई पर मोहनदास सारी रात नहीं सुता। उसके दिमाग के अंदर एक तूर तुंद भरी हनेरी चल रही थी। हनेरी नहीं एक बेचैन वाह वरोड़ा मैं एक दो बार फिर ओरिएंटल कोल मंच गया पर उसे जाने का कुछ फायदा नहीं सी। उसे उन लोगों का हमें यह अफवाह फैला दी थी कि हफ्ते 15 दिन बाद एक पागल लंबा है जिन्हें अपने आप मोहनदास बीए तो होता है तो जिन्हों पागल पंदे दौरे पे गए मोहनदास अंदर ही अंदर कुड़ता रहता क्योंकि उसे कोई ऊपर तक पहुंच नहीं सी। यह नहीं सी कि पिंड वाले लोग उसके हमदर्दी नहीं सी पर पिंड के लोग अपने मुड़के ते हंजुआ नाल जीन वाले लोग से घनश्याम भी इन्हां लोकां चो एक सी पर वो गरीब नहीं सी। 30 बीघे जमीन सी ओदे कोल ते लोड पैण ते गरीबां दी मदद भी करदा सी। नाल दे पिंड दा बिशना बैंक दे कर्जे तो तंग आके बिजली दी तार नाल लटक के मर गया। खेत मजदूर ते किसान पिंडां तों भज के शहरां वल नूं जा रहे सन। उस दिन मोहनदास नूं बहुत तेज बुखार सी जदों घनश्याम साडे घर आया। मोहनदास भाई चल जल्दी कर मेरा एक वक्त निकला है जिहड़ा जीवन में चाहता है तू इस तरह कर मुंह धोला पर जल्दी जाना नहीं तो उन्हें महीने छुट्टी वास्ते चले जाना तो जल्दी कर। मैं इस तरह ही चलता चला और मैं सारी कहानी जीएम नु खोल के सुनाई कि 18 अगस्त 1997 में हुई भर्ती दे विच मैं नौकरी लई सिलेक्ट होया। मैं अपने सारे सर्टिफिकेट ते दूसरे कागज दफ्तर दे विच जमा करवाए सन ते मेरा नाम लिस्ट विच सारे तो उत्ते सी पर मैनू नियुक्ति पत्र नहीं सी मिले ते हुण पिछले 5 साल तो बिस्नाथ नादा आदमी मोहनदास बन के नौकरी कर रहे हैं। जीएमएस के सिंह सीधा जी अफसर सी उन्हें मोहनदास का सारा किस्सा सुनिया ते जांच दे हुकम दे दित्ते ते क्या कि एक महीने बाद जदों वापस आएगा तो उन्हें रिपोर्ट मिल जानी चाहिए। हफ्ते बाद जांच शुरू हुई। ऑफिसर कोल माइंस की कॉलोनी लेन नगर के फ्लैट नंबर A/11 पहुंचे और विश्वनाथ को सब कुछ पहले पता था। विश्वनाथ की पत्नी ने वेलफेयर अफसर की राज्य की सेवा की। आंगवाड़ ने भी विश्वनाथ को ही मोहनदास के पत्नी अमिता कस्तूरी बाई साबित किया।
उस वेलफेयर अफसर ने दोपहर का खाना बेसनाब के घर खाता ते शाम नूं बीयर भी पीती ते रात नूं देसी मुर्गे दे नाल विस्की ते रात 12 बजे के करीब जदों उठाण लग्या ते उस पड़तालिया अफसर दीआं नज़रां बेसनाब दी पत्नी ते ही टिकियां होईआं सन। ए ओ समां सी जदों पंजाब दे सर्विस कमीशन दे चेयरमैन ने करोड़ां रुपईए दी रिश्वत लै के पूरे रात दे विच सरकारी अफसरां दीआं नियुक्तियां कर दित्तियां सन। जी हाँ, ए ओही समां सी जदों वड्डे वड्डे मंत्रियां दीआं कोठियां दे विच जेड सिक्योरिटी दे अंदर नोटां दे सूटकेस पहुंच रहे सन। ए ओही वाकया है जदों हरियाणे दा इक आईजी ते उत्तर प्रदेश दा कैबिनेट मिनिस्टर औरतां दे नाल नाजायज संबंध ना पते ठिकाने नाले जाने चाहते या फिर असल च कोई होर ने कि इस नगर दे विच कोई भी आदमी अपने असली ना पते ठिकाने का है भी या फिर सब लोग बिस्तरा की तरह बहरूपी है ते डुप्लीकेट। कई बार तो मैं अपने आप उत्ते भी शक लग पा कि मैं कौन हूं, मोहनदास आ बिजनेस कि जड़ी डिग्री मैं हासिल की सी वो बिजनेस नहीं है सी कि सारे दे नाल सारे नाल इससे कभी होंगा। एक कई दिन बाद मोहनदास ने अपने दोस्त बीरन ने घर जाके देसी दारू पीती ते मांस खाता। उन्होंने शाम के 7 बजे तो पीनी शुरू की थी ते रात के 2 बजे तक पींदे रहे ते गीत गाते रहे। फर्क सिर्फ इन्ना है कि
मैं इस पेट में जान लिया थे तो अनु तो अनु पता ही नहीं लगा इसीलिए मैं तो अनु दर्शन चाहूँ मैं तो अनु सारे अनु दर्शन चाहूँगा कि तुझे लोग सरकारी दफ्तर में बैठ शरद या बटिया बटिया मारता बैठ बटे बटे पगले बैठ कोठियाँ बैठ कोला कारखाना बैठ लेने नगर नेहरू नगर अंबेडकर नगर शास्त्री नगर बटिया कलोनिया से जाके पता करो पता करोगे कितने कितने तो आधे ना था तो अभी मार दिया थे कोई कोई दूसरा फर्जी जहाँ सारता नहीं बैठा जाओ छेती जाके पता करो अब तो आधे तो ते तो आधे नाम ही खोए जा रहे ने कम से कम अपने नाता बचा लो जाओ जाओ छेती जाओ वीरम 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 मैंने दास में कौन वीरम मैंने दास में कौन मैं दसो के नहीं मैं कौन तुसी दसो मैं कौन कोई कोई था कोई दसो मैं कौन मेरा नाम कोई दसो कोई कोई तो दसो मेरा नाम ते अगले पांच दिन ते पांच रातां मोहनदास बस रोंदा ही रहा उसनू कोई होश नहीं सी इस दौरान ओदे पिता दी मौत हो गई पर मोहनदास बेहोश सी अपने प्यो की अर्थी मोटा भी ना दे सकिया तो चिंता न कर मैं
मैं तुम्हें नहीं दूंगा भाई, मैं तेरा केस अदालत में लेके जावा। मेरे को तो मेरे को केस लड़ने के लिए पैसे नहीं। कोई गल नहीं मोहनदास, मैं पैसे अपने दोस्तों को कटेगा। आखिरकार मोहनदास का मुकदमा कदम जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में, अदालत ने फौरी तौर पर ही फैक्ट्री के जीएम, वेलफेयर ऑफिसर ते बाकी अधिकारियों तलब कर लिया ते क्या क्यों जल्दी तो जल्दी यह साबित करन कि जो पिछले कई साल डिप्टी सुपरवाइजर की नौकरी कर रहा मोहनदास है वो बिस्मत क्यों ते किवें नहीं। कोल माइंस के विच खलबली मच गई, अखबारों के विच खबरें छापियां जान लगियां। असली मोहनदास कौन है दोस्तों? ए ओही समा सी जदो विनो विनोद चोपड़ा दी फिल्म मुन्ना भाई एमबीबीएस सुपरहिट हो चुकी सी, जदो टॉनी ब्लेयर ते जॉर्ज बुश अपने अपने देशों से चुना जीत के दोबारा वापस आ चुके सी, जदो अमेरिका दी कैद दे विच बैठा सद्दाम हुसैन फकीरा वर्गी दाढ़ी ते चौड़ाई चेहरे दे नाल कवितावां लिख रिया सी, जदो इंडिया करप्ट कंट्री दी सूची च 97वें तों 83वें, परमाणु बम बनाउण दी सूची च 6वें, जनसंख्या दी सूची च 2रे और भयानक गरीबी दी सूची च बांग्लादेश तों ठीक कुत्ते सी। मैं पूरा विश्वास सी के जुडिशियल मजिस्ट्रेट जीएम मुक्ति बोर्ड की अदालत में दुध का दुध ते पानी दा पानी हो जाएगा। इस विश्वास के पीछे दो मुख्य कारण सन। पहला तो है कि जज साहब बीड़ी ते रेड़ी की कड़क चा पीते सन, इसलिए उन्होंने किसी किस्म का लालच या रिश्वत दे के प्रश्न नहीं सी किया जा सकता। ते दूसरे कि सच्चाई मेरे पक्ष में सी, क्योंकि असली मोहनदास दोस्तों उस वे जो एशिया के राजनीतिक इतिहास पहली बार कोई भारतीय औरत कांग्रेस पार्टी की बोर्ड ब्यूरो की मेंबर बनी सी, और दूसरी औरत ने देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी ठुकरा दी सी। ए वही समा सी जब दिल्ली के कौड़ा कुआं के विचो एक कुड़ी नु जबरदस्ती कार के विच बिठा के दिल्ली दिया वीआईपी सड़कों के उत्ते 2 घंटे तक लगातार 5 बंदियां के वलों बलात्कार किया जा रहा सी। जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत विच सारी गवाहियां, सारे सबूत, सारी जांच रिपोर्टा, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 2-2 ਡੀਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਿਸਨਾਥ ਹੀ ਅਸਲੀ ਮੋਹਨਦਾਸ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਜੋ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਬਦ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਕਿ ਮੋਹਨਦਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, मोहनदास ही असली मोहनदास है और दूसरा फ्रॉड है और बिस्नाथ और धर्मेंद्र नाथ जो कि 1/11 दे विच मोहनदास की आइडेंटिटी चोरी करके रह रहा है। इज अ चीट, अ क्रिमिनल, अ स्काउंडर। दुनिया च हर सिद्धांत खत्म हो सकता है, लेकिन मनुख के अंदर एक चीज कदे नहीं खत्म हो सकती, जो है न्याय की ताम, डिजायर फॉर जस्टिस। और स्वर्ण तू जा सकता, मैं जानता है कि तुम्हें मेरे वांगू की रात तो नहीं सुखाने। मेरे को उन्होंने की पावर, सिर्फ एक पावर, जो है सीक्रेट जुडिशियल इंक्वायरी। एक जांच मैं खुद कर, मैं जज साहब ने 4 दिनों के बीच में आप विश्वनाथ के सहरे जाके सारे नाम पते ठिकाने ते पंचायत की गवाही पवा के विश्वनाथ के उसके पिता ने चोरी धोखाधड़ी ते कबन के दोष हेठ जेल भिजवा दिता। चारे पासे तरथली मच गई सी। अखबार वाले ने नकली मोहनदास की खबर पहले पन्ने ते छापी सी ते कई अधिकारी भी मुअत्तल किए गए ते कई लंबी छुट्टी ते चले गए, क्योंकि अजे भी हजारों बिस्ना बाकी सन जो किसी दूसरे की पहचान, किसी दूसरे का अधिकार, किसी दूसरे की ताकत ते किसी दूसरे की काबिलियत चोरी करके कुर्सियां ते बैठे हुए सन, ते हजारों तनखाह
खेतों के मजदूरी करके किसी ना किसी तरह अपना चूल्हा बाल रही थी।
मैं तो आगे के हाथ जोड़ता, मेनू बचा लो, मैं मोहनदास नहीं हाँ, मैं मोहनदास नहीं हाँ, मेरे बाप का नाम काबा दास भी नहीं है, वो जो मरिया भी नहीं है जोड़ता है। पुलिस वाले ने मेनू बहुत मारिया, मेरिया सारिया हड्डिया तोड़ दिया ने, मैं जो साह भी ले लेता छाती में दर्द होती है। मैं देख रहा कि मोहनदास के बुल फाटे हुए, शायद पुलिस ने कुट कुट के उसके दांत भी तोड़ देते, मुंह कोतरा हो चुका है, आवाज खिलर के आ रही। मोहनदास तो चार के सलंद है, पर देखन जैस वेले हो अस्सियों तो भी बदता जा रहे। याद नहीं दवाऊंगा